सन। सो बेसिकली क्या होता है स्टेबलाइजेशन कैपेसिटर में, अगर मैं बात करूं, रिमूव कर दिया एलईडी बूम। सो देखिए, जैसे ही रिमूव किया एलईडी बूम, आप नोटिस करो, तो एलईडी नोटिस कीजिए, पहले आप देख रहे होंगे लाइट ब्लिंक हो रही थी, आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक नहीं हो रही। तो दोस्तों आप नोटिस करो, यहाँ पर जो डीसी है ना वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। अब हम इसी सर्किट में इस डीसी को स्टेबल करेंगे। उसी एक एन चैनल का मॉस्फेट है और इस मॉस्फेट को मैंने यहाँ पर यूज किया है। इस बोतल में आप देखो कि यहाँ पर थिनर है, आप इससे कहीं ज्यादा थिनर इसमें डाल सकते हैं क्या? नहीं ना। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों मेरा नाम है देवदन अग्रवाल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों कैपेसिटर के बारे में ना एक वीडियो में कभी पूरा नहीं बताया जा सकता, और मैं इसलिए कैपेसिटर के बारे में भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा, पर देखूँगा ये वीडियो आप लोग कितना प्यार कर देते हैं मुझे, इस वीडियो में कितना लाइक देते हैं और कितने कमेंट्स देते हैं, इसी पर मैं इसी का दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। आज मैं दोस्तों कैपेसिटर के एक वर्ड को, जिसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन, सो स्टेबलाइज कैपेसिटर स्टेबलाइजेशन, तो मैं उसको प्रैक्टिकली आज आपको सामने दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्टेबलाइजेशन किया जाता है सर्किट में, करवाया जाता है सर्किट में, और स्टेबलाइजेशन आखिर होता क्या है और कैपेसिटर क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो भी मोबाइल रिपेयरिंग में भाई देख रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि वो भूरे कलर के, ग्रे कलर के कॉम्पोनेंट को, या जो भी अगर आपके टीचर अगर आपसे कहते हैं कि आपके अपने बोर्ड में लगे हुए कॉम्पोनेंट को, कैपेसिटर को निकाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोस्तों जय हिंद जय भारत उन सारे टीचरों को, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैपेसिटर्स अगर आप निकालेंगे बोर्ड से तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में कोई ना कोई फॉल्ट आगे बन जाए। तो वो फॉल्ट कैसे बनेगा, उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपके सामने करूंगा। प्रैक्टिकल बोर्ड में नहीं होगा इस बार, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ही मैं खुद यहाँ पर सर्किट में डिजाइन करके करवाऊंगा। आज हम देखने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपने कितने ही कैपेसिटर पढ़े होंगे, कहाँ कहाँ नहीं पढ़े होंगे। आज आप मेरे वीडियो देखिए, हो सकता है कि मेरे वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों कैपेसिटर जिसको हिंदी में संधारित कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में संधारित कहते हैं, दोस्तों क्या होता है कि आप कितने ही उपकरण देख लो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बोतल को देख रहे हो, इस बोतल में आप देखो कि यहाँ पर थिनर है, आप इससे कहीं ज़्यादा थिनर इसमें डाल सकते हैं क्या? नहीं ना। सो वैसे ही हम किसी भी वायर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को रख नहीं सकते। आवेश मतलब एनर्जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आवेश को रख नहीं सकते। तब हम क्या करें, तब हमें उस कंडीशन में यूज़ करना पड़ता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक सुपर हीरो की जैसे है, जो बेसिकली आवेश को अपने अंदर स्टोर करता है और बेसिकली समय आने पर वो अपनी सर्किट को प्रदान करता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर क्या है बहुत ही सरल भाषा में। सो मैं बात करता हूं दोस्तों, कैपेसिटर को ना इस तरह से समझाया गया है। ये कैपेसिटर आपने देखा जिसमें दो इलेक्ट्रिकल और एक बीच में बात करें तो डायलेक्ट्रिकल प्लेट होती है। अब दोस्तों मैंने बोला था कैपेसिटर स्टेबलाइजेशन पे वीडियो बनाऊंगा, अब मैं कैपेसिटर समझा रहा हूँ। चलो ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं बात करता हूँ कैपेसिटर की, थोड़ी सी और बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें कैपेसिटर को दोस्तों, फराड, इसकी जो यूनिट होती है नापने की क्षमता वो फराड होती है, तो फराडे बोलते हैं बेसिकली फराड। सो कैपेसिटर पर फराड दोस्तों यूनिट एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। इतने बड़ी यूनिट के मान के कंपोनेंट ज़्यादातर सर्किटों में, जो छोटे सर्किट होते हैं उसमें यूज़ नहीं किए जाते, तो उसमें क्या यूज़ किए जाते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं दोस्तों माइक्रो फराड। बट बात करें कि इसमें और क्या क्या इसकी वैल्यू होती है, तो मैं आपको जीरो से बताता हूँ कि सिक्वेंस वाइज। तो सबसे छोटी वैल्यू दोस्तों होती है इसमें पीको फराड, फिर उसके बाद होती है इसके बाद में नैनो फराड, फिर उसके बाद में होती है माइक्रो फराड, फिर उसके बाद में होती है मिली फराड, फिर उसके बाद में फराड। सो हमारे मोबाइल फोन में अगर हम बात करें, इस बोतल में आप देखो कि यहाँ पर थिनर है, आप इससे कहीं ज़्यादा थिनर इसमें डाल सकते हैं क्या? नहीं ना। सो वैसे ही हम किसी भी वायर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को रख नहीं सकते। आवेश मतलब एनर्जी, हम ये तो आपको पीको फराड, नैनो फराड और माइक्रो फराड के कंपोनेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और मैं आपको, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डिजिटली तरीके से ये भी बताऊंगा कि आपके बोर्ड में कहां पर पीको मिलेंगे, कहां पर नैनो मिलेंगे और कहां पर माइक्रो। सो ये भी मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि मुझे कहां से क्या उठा के और कहां पर क्या चेंज करना है।
पर दोस्तों ये मैं बताऊंगा ऑफलाइन जब आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, मैं ऑनलाइन पढ़ाता नहीं हूं, तो प्लीज मुझे कमेंट या मैसेज मत करें ऑनलाइन के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, हमने देखा कैपेसिटर्स, थोड़ा सा समझा कि क्या होता है, एक आवेश एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस। हालांकि कैपेसिटर बहुत सारी चीज़ करता है, इसलिए मैंने बताया बहुत सारी चीज़ करता है, पर एक वर्किंग मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, अब वो है डीसी स्टेबलाइजेशन। बट स्टेबलाइजेशन के पहले अगर मैं कैपेसिटर की थोड़ा बहुत और बात करूँ तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला ये है कुछ आपका, जिसमें ये आपका चार्ज हो जाता है, ये आपका वोल्टेज हो जाता है, और ये आपका फराड कैपेसिटर। बेसिकली हम इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं, चार्ज। सो कुछ इस तरह का फॉर्मूला है जिसको हम इसे निकाल कर हम सर्किट को निकाल सकते हैं। चार्ज को वोल्टेज में घटा कर आप निकाल सकते हैं कि आप कितने ही मान का आप कैपेसिटर सर्किट में लगा सकते हैं, बट आपको चार्ज और आपको वोल्टेज इसका नॉलेज होना जरूरी है। अगर दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बात करूँ, कैपेसिटर सर्किट में दो तरह के लगा होता है, एक सीरीज। सो सीरीज में कैपेसिटर आप देखिए कुछ इस तरह का लगा होगा, ये देखिए आप देख रहे होंगे इस तरह का। तो ये बिल्कुल जो अगर मैं इसका भी एक फॉर्मूला बताऊं तो ये बिल्कुल उल्टा है रेजिस्टेंस के। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो इस तरह का होगा, सी सी, तो ये इस तरह का होगा, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। यहाँ पर ये सी वन है, ये सी टू है। मान लो ये मैं ले लेता हूँ 4 माइक्रोफराड, ये ले लेता हूँ 4 माइक्रोफराड। अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये निकलेगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, और अगर मैं इसको करूं तो ये एलसीएम बन जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 2 और ये निकलेगा 1/2। और अगर मैं जिसको निकालूं तो सी, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो सी इक्वल टू माइक्रोफराड। सो बेसिकली ये इसकी वैल्यू निकल कर आती है। दोस्तों ये है ना, हमें मोबाइल रिपीट में यूज़ नहीं करना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मोबाइल के टेक्नीशियन है, ये थोड़ा वो जो स्कूल के छात्र वात्र दिख रहे होंगे तो वो उनके लिए भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यही चीज़ अगर मैं बात करूँ पैरेलल में, यही चीज़ अगर दोस्तों मैं पैरेलल में बात करूँ तो पैरेलल में आप इस तरह के कैपेसिटर देखेंगे, नोटिस कीजिएगा, ये देखिए। सो कैपेसिटर इस तरह से आप पैरेलल में देखेंगे। अब अगर इसको निकालूँ तो ये देखिए, ये सी वन हो गया, ये सी टू हो गया, मान लीजिए ये 3 माइक्रोफराड हो गया और ये 3 माइक्रोफराड हो गया। तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे, सी इक्वल सी वन प्लस सी टू प्लस इस तरीके से। सो अगर हमारा यहाँ पर हम इसको जोड़ना है बस, 3 + 3 = 6 माइक्रोफराड। सो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो 6 माइक्रोफराड होती है। सो दोस्तों ये भी आपने पता कर लिया। और अगर मैं बात करूं कैपेसिटर्स की तो बहुत सारी जानकारी मैं दे सकता हूं, पर एक वीडियो में ये सारी जानकारी मुझे नहीं लगता कि सही होगा देना, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। दोस्तों कैपेसिटर के बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें से एक काम जो मैं आज आपको अभी लाइव इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसको हम कहते हैं दोस्तों स्टेबलाइजेशन। सो बेसिकली क्या होता है स्टेबलाइजेशन कैपेसिटर में, अगर मैं बात करूं क्या होता है, किसे कहते हैं कैपेसिटर स्टेबलाइजेशन, तो किसे कहते हैं कैपेसिटर स्टेबलाइजेशन क्या होता है, यही मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कैपेसिटर, तो आपको पता चल गया एक आवेश को, एक ऊर्जा को स्टोर करने वाला है। अगर मैं बात करूं स्टेबलाइजेशन, तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है, सो स्टेबलाइजेशन मतलब स्टेबल करना किसी चीज़ को, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग फिजिकली मोर सिक्योर और मोर स्टेबल। तो जो प्रोसेस होता है, मतलब किसी चीज़ को बना रहे हो तो उसको मोर स्टेबल बनाओ, मोर सिक्योर बनाओ, तो उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पर सर्किट में कैपेसिटर स्टेबलाइजेशन पर कैसे काम करेगा, आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। मुझे नहीं लगता ये किसी ने दिखाया होगा, पर मैं दिखाऊंगा आपको, और यही ऐसे ही डिजिटल सर्किट दिखाने के लिए आप क्लास में ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन। और सच बताएं दोस्तों, आधुनिक तरीके से और रियल ज्ञान और सही नॉलेज लीजिए, क्योंकि कम फीस वाले तो उनको सलाम है, वो क्या ही पढ़ा रहे हैं, भगवान करे आपका। वो कहते हैं ना कि भगवान करे भैया तुम्हारा तो भगवान ही बचा सकता है तुमको। तो हम सबसे पहले एक बैटरी उठाते हैं, नोटिस कीजिएगा, ये मैंने एक बैटरी ली, ये देखिए, और ये बैटरी पर हम एक काम करते हैं, जो वोल्टेज है इस बैटरी पर, इस वोल्टेज को हम तकरीबन रखेंगे यहाँ पर, जैसे सपोज 2 वोल्टेज, या हम बात करते हैं जो हमारी मोबाइल फ़ोन में होता है 4 वोल्टेज। वोल्टेज पे हमने यहाँ पर बैटरी रखी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम इस बैटरी को ग्राउंड दे देते हैं सबसे। उसके बाद तो यहाँ पे हमने ग्राउंड लिया,
ठीक है, क्योंकि बैटरी में एक प्लस तो एक माइनस होना जरूरी है, तो ही लोड पूरा होगा। अब हम यहाँ पर एक एलईडी लगाते हैं, ये देखिए ये एक एलईडी है, और इस एलईडी के साथ अब इस बैटरी का ये सिरा देखिए, अब हमने एलईडी भी लगा दी। अब इस एलईडी का जो माइनस सिरा है उसको हम ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, ये देखिए, तो हमने इसके माइनस सिरे को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है, नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, तो हमने इसके माइनस सिरे को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। हम इसमें एक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, तो मोबाइल फ़ोन में तो डायरेक्ट बैटरी, डायरेक्ट एलईडी बैटरी से जुड़ती नहीं है, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक मॉसफेट और उसको हम स्विच करेंगे। सो हम यहाँ पर एक मॉसफेट यूज़ करते हैं दोस्तों, तो एक, तो देखिए ये एक एन चैनल का मॉसफेट है, और इस मॉसफेट को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो हमने आपने देखा कि हमने सोर्स के साथ हमने ये कनेक्ट किया है, अब हम ड्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे इस मॉसफेट को ये, और अब हम यहाँ पर इस एलईडी को ग्राउंड करेंगे दोस्तों। तो देखिए अब हमने एलईडी के साथ इसको ग्राउंड कर दिया है, अगर अब मैं इस इसको सर्किट को रन करूं तो आप नोटिस कीजिएगा, और अब हम स्विचिंग करेंगे इस मॉसफेट के साथ, ये हमने स्विच यूज किया, ये देखिए हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया है, ठीक है, और अब हम यहाँ पर देखेंगे। सो अब जब तक ये स्विच नहीं होगा आप नोटिस कीजिएगा, ये देखिए ये स्विचिंग हो रहा है, तो देखिए स्विच हो रहा है, बंद हो रहा है, स्विच हो रहा है, बंद हो रहा है, स्विच हो रहा है, बंद हो रहा है, पर लाइट अभी तक जल नहीं रही है। सो हम स्विचिंग को थोड़ा फास्ट करते हैं, ये बहुत थोड़ी स्लो स्विचिंग हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये देखो अभी थोड़ी फास्ट हो गई, आप इसकी वेवफॉर्म भी देख सकते हैं ऊपर, ये देखो। सो आप नोटिस करो अब यहाँ पे स्विचिंग फास्ट हो गई, पर अभी भी बल्ब जल नहीं रहा है, तो एक बार हम बल्ब को भी ऑन करते हैं, तो हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और अब हम बल्ब को भी ऑन करते हैं, नोटिस कीजिए आप, ये देखिए अब आप नोटिस कीजिए कि बल्ब जल रहा है, पर बल्ब हमारे सर्किट के जैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम जब डिस्प्ले लगाते हैं सो आप देखते होंगे लुप 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 करना, या किसी भी तरह का बहुत सारे ऐसे सर्किटों में फॉल्ट आते हैं। सो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, हालांकि यहाँ पे स्विचिंग हो रही है, मैं इसको और भी फास्ट करूँगा तो और तेज। तो दोस्तों आप नोटिस करो यहाँ पर जो डीसी है ना वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। अब हम इसी सर्किट में इस डीसी को स्टेबल करेंगे, उसी को कहते हैं स्टेबलाइजेशन। अब वो कैसे करेंगे, सो मैंने क्या बोला, कैपेसिटर, कैपेसिटर हमारे सर्किट में डीसी को स्टेबलाइजेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो देखिए अब मैं यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करूँगा, तो अब मैंने यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया, नोटिस कीजिएगा, ठीक है, ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का एक सिरा, और ये मैं पैरेलल यूज़ करूँगा, जो कि डीसी स्टेबलाइजेशन पैरेलल में हम यूज़ करेंगे, एक सिरा ये देखिए एलईडी के प्लस के साथ जोड़ दिया, और इसका माइनस सिरा ग्राउंड के साथ जोड़ दिया। अब आप नोटिस करो इसका ग्राउंड एक है, इसका ग्राउंड एक है, और कैपेसिटर का ग्राउंड एक है। अब मैंने इसके साथ जोड़ दिया, अब देखते हैं कि अब क्या परिवर्तन आया है। सो दोस्तों देखो अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये इसका एग्जांपल सीधा ये है कि आपके फ़ोन में आप कहीं से भी कोई भी कैपेसिटर किसी भी साइज़ का उठा के नहीं लगा सकते, आपको वैल्यू थोड़ी पता होना बहुत ज़रूरी है, वैल्यू निकालना आना चाहिए। सो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो क्लास आना पड़ेगा, और क्लास में ही पता चलेगा। मैंने क्या बोला, ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करना है। सो अब मैं बात करूँ यहाँ पर, हमने कैपेसिटर तो लगा लिया पर कोई यूज़ का नहीं निकला। सो आइए देखते हैं इस एलईडी को किस तरीके से हम इसकी ब्लिंकिंग बंद करें और इस सर्किट को हम स्मूथ करें, क्योंकि अभी भी हमारी सर्किट स्मूथ नहीं है, ऐसे में ये एलईडी ख़राब हो सकती है। सो हम इसमें क्या करेंगे, हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करेंगे। सो हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हैं यहाँ से, नोटिस कीजिएगा, देखिए ये देखिए आप, तो देखिए फर्क आपको महसूस होगा, नोटिस कीजिए, पहले आप देख रहे होंगे लाइट ब्लिंक हो रही थी, आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक नहीं हो रही। तो दोस्तों ये कैसे, आखिर फाइनली ये कैसे हुआ। सो दोस्तों ये हुआ
बेसिकली अगर मैं बात करूं से भी कैपेसिटर की वजह से, आप अपने मोबाइल में अगर कैपेसिटर को निकालते गए तो भैया आप अपने मोबाइल को कस्टमर को बोल देना कि भैया तुम्हारा मोबाइल ख़त्म होने वाला है कुछ दिन तक। सो आप उसकी लाइफ को कर रहे हैं ख़त्म, आप अपने सर्किट में स्टेबलाइजेशन को कर रहे हैं ख़त्म। सर्किट में कैपेसिटर बेसिकली जो काम करते हैं वो डीसी स्टेबलाइजेशन काम करते हैं। जैसे मैंने बताया व्हाट इज स्टेबलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग मोर स्टेबल मोर सिक्योर। सो देखिए मोर स्टेबल एंड मोर सिक्योर। सो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कैपेसिटर का खाली एक फंडा, कैपेसिटर बहुत सारे काम करता है। अभी मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कैपेसिटर डीसी स्टोर करता है, कैपेसिटर कपलिंग का काम करता है, कैपेसिटर स्टेबलाइजेशन का काम करता है, चार्ज पंप की तरह काम करता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्ज पंप की तरह कैपेसिटर काम करता है, और कैपेसिटर डीसी फिल्ट्रेशन करता है। तो कैपेसिटर काम बहुत सारे करता है दोस्तों, पर आज मैंने इस वीडियो में एक बताया और ये वीडियो भी इतना लंबा चला गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप समझ में आ जाए कि अभी नेक्स्ट टाइम आप कैपेसिटर को कभी रिमूव नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कैपेसिटर रिमूव करेंगे तो ये हाल होगा। देखिए अब इस कैपेसिटर को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कैपेसिटर लिया, ये रिमूव कर दिया। अब नोटिस करना, अब देखिए क्या होगा, एलईडी जल गई, जैसे कैपेसिटर रिमूव कर दिया एलईडी बूम। सो देखिए जैसे ही रिमूव किया एलईडी बूम, आप नोटिस करो तो एलईडी जल गई मेरे भाई। वैसे ही हमारे फ़ोन में होता है कि अगर हम कॉम्पोनेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अगर हम नई नई एलसीडी लगा रहे हैं और डिस्प्ले ख़राब हो रहे हैं या हमारी लाइट नहीं आ रही है या धुआं निकल रहा है, सो हमें समझना पड़ेगा कॉम्पोनेंट की वैल्यू और अपने सर्किट की रिक्वायरमेंट। अगर आप सर्किट की रिक्वायरमेंट समझ गए तो आप अपने मोबाइल को बना सकते हैं, बट अगर आपको यही नहीं आ रहा है, आपके टीचर को भी ये नॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि दोस्तों कम फीस में यही होता है कम नॉलेज। आप बोलेंगे सर एसर टेलीकॉम आ रहे हैं और एसर टेलीकॉम की फ़ीस आई है, पर दोस्तों जो मैं आपको ज्ञान दूंगा वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा और अपने मार्केट में आप 10 में से केवल एक होंगे, ये बात आपको मेरी माननी होगी। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे सो लाइक, अच्छा लगे या ना लगे लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना, और मैं उम्मीद करूंगा उन कमेंट की कि आपको क्या नया चाहिए कैपेसिटर में, और कुछ देखना है सो वो भी मैं दूंगा, या और कोई कंपोनेंट देखना है तो वो भी मैं दूंगा। सो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मेरा नया बैच लगा है 28 अक्टूबर का, आप देख सकते हैं। सो ये 28 अक्टूबर के बैच को अगर आपको डेली देखना है सो हमारे फेसबुक को ज्वाइन करो, फेसबुक हमारा एसर टेलीकॉम। सो इसको ज्वाइन करने के बाद आप इसको फॉलो करो, आप डेली दिन में 4 टाइम हमें लाइव देखिए, इनको लाइव देखिए, और रात में ज़रूर देखिएगा, मैं ज़रूर बोलूँगा 8 बजे से 12 बजे के बीच में हमें लाइव देखिए, और ये देखिए कि हमारे स्टूडेंट क्या दिन भर से सीखे जा रहे हैं, क्योंकि हम हर रात अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?